सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। तो आगे वर्ल्ड कप खेला जाना, लेकिन उससे पहले सभी क्रिकेट बोर्ड ने अपने अपने देश के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर दिया है, खिलाड़ी की सैलरी और कप्तान की सैलरी घोषित कर दी है। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं सभी टीमों के कप्तानों की सैलरी के बारे में, जहाँ टॉप टीमों के कप्तान की सैलरी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं पूरे विस्तार से, कि किस देश के कप्तान की सैलरी कितनी है, उसे अपने कप्तानी के लिए कितने करोड़ रुपए मिल रहे हैं। जहाँ आपको ये भी बताने वाले हैं कि इन सभी कप्तानों में किस कप्तान की सैलरी सबसे ज्यादा है और किस कप्तान की सैलरी सबसे कम है। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नाम है क्रिकेट रफी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर लें। सभी पेज पर आपको बैक टू बैक अपडेट्स मिलती रहती है। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो आईएसटी की फुल मेंबर टीम में तो कई सारी बड़ी और छोटी नेशनल टीम है, लेकिन प्रदर्शन सीरीज और टूर्नामेंट में टॉप 7 और 8 टीम का रहता है। तो बात करते हैं सभी टॉप टीम्स के कप्तानों की सैलरी के बारे में। तो बात करेंगे सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया टीम के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से T20 और ODI टीम की कप्तानी करते हैं एरन फिंच, और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड की कप्तानी के लिए देता है सालाना सैलरी 4,87,00,000 रुपए। तो वहीं टेस्ट टीम के कप्तान है टिम पेन, और इनकी कप्तानी के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड देता है 4,87,00,000 रुपए, यानी कि दोनों ही कप्तानों की सैलरी बराबर है। अब अगर हम बात करें वेस्टइंडीज के बारे में, तो वेस्टइंडीज की तरफ से T20 और ODI फॉर्मेट में कप्तानी करते हैं करन पोलार्ड, और इनकी कप्तानी के लिए वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड इन्हें देता है 1,73,00,000 रुपए। तो वहीं इनके टेस्ट टीम की कप्तानी करते हैं करिक ब्रेथवेट, और वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड इनकी कप्तानी के लिए देता है सालाना सैलरी 1,39,00,000 रुपए। अब अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के बारे में, तो न्यूजीलैंड के तीनों ही फॉर्मेट में कप्तानी करते हैं जबरदस्त बल्लेबाज केन विलियमसन, और इनके तीनों ही फॉर्मेट में कप्तानी के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड सालाना सैलरी पे करता है 1,77,00,000 रुपए। तो वहीं साउथ अफ्रीका की तरफ से टेस्ट की कप्तानी करते हैं डीन एलगर, और साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड इनकी कप्तानी के लिए देता है 3,02,00,000 रुपए, जबकि T20 और ODI के कप्तान है टेम्बा बोमा, और इनकी कप्तानी के लिए साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड इन्हें देता है 2,50,00,000 रुपए। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान टीम की कप्तानी करते हैं बाबर आजम, इनके जबरदस्त बल्लेबाज, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि PCB इनकी कप्तानी के लिए सालाना सैलरी बाबर आजम को देता है 62,40,000 रुपए। अगर हम बात करें यहाँ पर टीम इंडिया के बारे में, तो टीम इंडिया की कप्तानी करते हैं कप्तान विराट कोहली, और इनकी कप्तानी के लिए BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इन्हें देता है 7,00,00,000 रुपए सालाना सैलरी। अब अगर हम बात करें इंग्लैंड के बारे में, तो इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट की कप्तानी करते हैं जो रूट, और इनकी कप्तानी के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड यानी कि ECB देता है 8,97,00,000 रुपए, यानी कि लगभग 9 करोड़ देता है। तो वहीं T20 और ODI की कप्तानी करते हैं जॉन मॉर्गन, और इनकी कप्तानी के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड यानी कि ECB जॉन मॉर्गन को सालाना सैलरी देता है 1,75,00,000 रुपए। तो गाइस ये टॉप 7 टीम और उनके कप्तानों की सैलरी, जहां पर सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है कप्तानों की लिस्ट में, वो है जो रूट, जिन्हें लगभग 9 करोड़ मिलता है इनके कप्तानी के लिए, और मात्र टेस्ट की कप्तानी ही करते हैं। तो वहीं सबसे कम सैलरी मिलती है इन टॉप 7 टीमों में पाकिस्तान टीम के जबरदस्त बल्लेबाज बाबर आजम को, मात्र 62,00,000 रुपए ही दिए जाते हैं। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।